प्रतिवर्ष यातायात सप्ताह पूरे देश में मनाया जाता है, जिसमें सभी शहरों में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे सप्ताह भर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज भी यातायात सप्ताह का शुभारंभ किया गया है वर्ष 2020 का, और इसमें स्कूल के जो बच्चे हैं साथ में हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने रैली के रूप में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न स्लोगन और प्लेकार्ड के माध्यम से लोगों के बीच में एक रैली निकाल रहे हैं। साथ में यातायात रथ भी है। ये पूरे सप्ताह का उद्देश्य यही होता है कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें, उसके लिए जागरूक बने, जिससे हम दुर्घटनाओं में कमी ला पाएँ और सुचारू रूप से जो हमारे शहर का यातायात है वो चले। इसमें मुख्यतः ये उद्देश्य होता है कि केवल चालानी कार्रवाई के माध्यम से ही यातायात को सुचारू नहीं किया जा सकता है। जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं बनेंगे, यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकते। ये देखिए, जब जब शहर का विस्तार होता है, लोगों के पास वाहन आते हैं, ट्रैफिक बढ़ता है, तो ये आवश्यकता होती है कि लोगों में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। और धीरे धीरे आप देखते हैं, पहले जिन नियमों का पालन नहीं होता था, अब धीरे धीरे होने लगा है, और मुझे लगता है जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो लोग और भी नियमों का पालन करेंगे और ये समझेंगे कि ये नियम उनके स्वयं की सुरक्षा के लिए हैं।